This conference will now be recorded. अथवा सोमवासर माघ पौर्णिमा दिनांक 16 फेब्रुवरी 2022 चरक विमर्थन अध्याय शंखं चक्रं जलकांदतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्म स्वच्छातिरिद्यां शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालांबोदोज्ज्वलांगं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वंदे धन्वंतरिं तं निखिलगदवन प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजितां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां आयुर्वेदरतं वंदे माधवाख्यं महागुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यप्रदत्तवान् द्रष्टा ज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषयक श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं न प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः परस्प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पण संक्रांतं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वंदे आयुर्वेद जगद्गुरु आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत् मुनिसत्तमः प्रथमं तंत्रकर्तारं अग्निवेशमाह्वयः ओम शांति 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 प्रकोपितास्तु खलु ते दोष प्रकोपण विशेषात् दोष विशेषात् च विकार विशेषां अभिनिर्वर्ते इति अपरिसंख्येय। तो मैंने कहा था कि मैं इसके बारे में आज थोड़ी बहस करूंगा, क्योंकि वाग्भट में तैव कुपितो दोष समुत्थान विशेषता स्थानांतराणि च प्राप्त विकारां कुरुते बहु इस प्रकार का लिखा है, उसमें स्थानांतराणि च प्राप्त ऐसा बताया। अब नीचे दुष्संदेशम बलं कालम अलनम प्रकृतिं वयः वगैरह का एक प्रख्यात श्लोक यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ चारकाचार्य स्पेसिफिकली प्रकोपण विशेष दुष विशेष ऐसा लिखते हैं। तो प्रकोपण विशेष किस प्रकार का हो ये एक समझ लेने की इस प्रकार की बात है, और फिर उसके लिए दोष प्रकोप किस प्रकार से हुआ हो। तो एक तो बात जाहिर है कि जिस प्रकार से दोष प्रकोप हुआ है, इन कारणों से दोष प्रकोप हुआ है, उनको ध्यान में रखते हुए उसके विपरीत कुछ करना चाहिए। अगर कप का प्रकोप सिद्ध गुण से हुआ है तो रुक्ष देना है, शीत गुण से हुआ है तो उष्ण देना है, गुरु गुण से हुआ है तो लघु देना है वगैरह वगैरह। ये तीनों साथ में है, तीनों वाला द्रव्य इस प्रकार का देना है। तो ये एक बात अहम है कि प्रकोपण विशेष किस प्रकार के हैं, और फिर उसके आधार पर उनको टालना और उनके विपरीत है तो विपरीत चिकित्सा देना, ये अवश्य इस प्रकार का होगा। अभी जो नए नए तरीके इसमें उभर आ रहे हैं प्रकोपण विशेष के बारे में, जो पहले नहीं थे, जैसे ये संकरित धान, संकरित पशु, और फिर केमिकल पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह वगैरह, प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, रेफ्रिजरेशन, तो बहुत सारे मुद्दे हैं।
अब हमें इन सभी के बारे में आयुर्वेद की दृष्टि से सोचना पड़ेगा कि इनका दोषों पर किस प्रकार का असर होता होगा, किस प्रकार का परिवर्तन इनके जरिए दोषों में आता होगा, और फिर उसको हम किस प्रकार से रिवर्ट कर सकते हैं। एक तो संक्षिप्त क्रियाओं और निदान परिवर्जन के लिए इनको ढूंढ पाना, उनको टालना, ये तो आवश्यक इस प्रकार का हो जाएगा। और फिर हेतु विपरीत अगर कुछ वहां पे बता सकते हैं तो उसके बारे में सोचना इस प्रकार का पड़ेगा। अब संकरित जो है वो तो शुक्र दृष्टि करने में सक्षम इस प्रकार का है, और खास करके कैंसर जैसे बीमारियों में जहाँ जेनेटिक चेंजेस इस प्रकार से आ रहे हैं, निर्माण हो रहे हैं, तो वहां ये अहम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा। तो उसके बारे में कैसे सोचे, इसके जरिए मैं शुक्र शोधन गण पर उतर आया। निग्धम वातम विरिक्तम च निरुण मनमासितम योजय शुक्र दोषार्थम सम्यक उत्तर बस्ति भी। ये इनफर्टिलिटी के हिसाब से अगर शुक्र दोष है तो वमन विरेचन बस्ती उत्तर बस्ती ये सब करके उनमें चिकित्सा देनी है, ऐसा निर्देश है ग्रंथों का। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार की दोष दृष्टि हो रही है वो ध्यान में रखते हुए या उनके जरिए शुक्र की दृष्टि हो रही है तो शुक्र शोधन गुण का भली भांति प्रयोग करते हुए हमें इसके बारे में सजग इस प्रकार का होना पड़ेगा। और अभी कैंसर हो ना हो, इस प्रकार की शुक्र दृष्टि सभी लोगों में, जब तक ये पूरा माहौल बदल नहीं जाता, फिर से नैसर्गिक खेती की तरफ मुड़ते नहीं है, तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, और उसको न जाने कितने बरस लगेंगे तो कैंसर नहीं हुआ तो भी शुक्र की दृष्टि होती ही रहेगी। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि सभी लोगों में इनका प्रयोग करना भी अनिवार्य प्रकार का, और इसी प्रकार से पूरे समाज को व्यापक, समाज के व्यापक जो कुछ कुछ हेतु इस प्रकार के होंगे उन सभी के बारे में गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा। तो प्रकोपण विशेष ये जो बात बताई गई है कि किस प्रकार का विशेष वहां पे है, किस प्रकार से ये प्रकोप हो रहे हैं। अभी रेडिएशन की बात है, एक्सरे का रेडिएशन पीड़ादायक होता है, कैंसर को उससे बढ़ावा मिलता है, और गर्भिणी अवस्था में भी गर्भ को एक्सपोज नहीं करना है एक्सरे पर, ये तो मालूम है। अभी ये तो संशोधन हुआ, लेकिन ये रेडिएशन थेरेपी दी जाती है तो उसके क्या परिणाम इसके ऊपर होंगे, और उसको टालने के लिए हमें क्या करना है, ये भी काफी अहम इस प्रकार के मुद्दे हैं। और फिर मोबाइल रेडिएशन, टीवी वगैरह के द्वारा उत्पन्न होने वाला रेडिएशन, इन सभी के बारे में हम क्या सुनेंगे, मोबाइल टावर के जरिए होने वाला रेडिएशन, इनके बारे में हम कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे। तो ये बड़ी समस्या है, सभी के बारे में सोच पाना, उनको टाले कैसे, ये एक अलग मुद्दा इस प्रकार का है। और फिर अभी तो इनके बजे बात नहीं बनेगी, मोबाइल के बजे तो कुछ हो नहीं सकता, तो मोबाइल चाहिए तो मोबाइल टावर्स भी चाहिए, तो रेडिएशन होगा ही इस प्रकार से। तो इन सभी बातों से हम किस प्रकार से करेंगे, अभी जो ग्रॉस लेवल पे है चल रहा है खाने पीने के बारे में, उसके बारे में भी कोई सोच नहीं रहा, तो मोबाइल के बारे में कौन सोचेगा इस प्रकार से। और उससे होने वाले बाकी अन्य परिणाम, अभी ऑनलाइन कोर्सेस शुरू हो गए, छात्रों के सभी का ऑनलाइन वर्क शुरू हो गया,
कंप्यूटर पर बैठना या मोबाइल पे काम करना ये शुरू हो गया, उसकी आदत पड़ने लगी बच्चों में, तो बाकी गेम्स वगैरह में चले जाने लगे इस प्रकार से। तो ये सभी मुद्दे महत्वपूर्ण इस प्रकार के हैं। तो सर्वांगीण दृष्टिकोण होना बहुत जरूरी इस प्रकार का रहेगा, और हमें अभी हानि या क्षति होने ही वाली है। जिस प्रकार का जीवन हम जी रहे हैं, केवल आप देहात में जाकर सभी से मुक्त इस प्रकार से हो जाएंगे तो शायद आपको तकलीफ कम होगी। लेकिन फिर भी अगर मोबाइल का प्रयोग करना ही है वहां भी, तो वो तो कारण होगा ही इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि प्रकोपण विशेष जो बात बताई गई है उसको भली भांति समझना है, और उसके मुताबिक हम कुछ क्या क्या शरीर में परिवर्तन आएगा, दोष धातु मल में क्या क्या परिवर्तन आएगा, ये देखना पड़ेगा। दूसरे विशेषाच ये यहाँ की खासियत है कि केवल प्रकोपण विशेष ही नहीं तो दोष विशेष भी उसमें कारीगर है। अब सासुर माँ समय दोस्त मज्जा शुक्राणि दाता सप्तदुष्या मलामूत्र शत्रु स्वेदा दयो। तो सात धातु तीन मल ये दोष में प्रमुखता से आते हैं, कभी कभी दोष भी दोष बन जाते हैं, ऐसा भी ऐसी स्थिति है। संप्राप्ति में दुष्य बन जाता है इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि जो इस प्रकार से बिगड़ने वाले ये भाव है, धातु मल और क्वचित दोष, उनके विशेष के अनुसार विकार विशेषण अभिनिर्भर है, विशिष्ट प्रकार के रोग निर्माण होते हैं। तो एक आम मुद्दा इस प्रकार का रहेगा कि ये दूसरों के इन्वॉल्वमेंट कैसे होगी। आहारश्च विहारश्च यस्य दोष गुण समाह धातु फिर विगुणश्चापि स्रोतसाम सप्रदोष कहा। तो दोष के समान गुण और धातुओं के विगुण इस प्रकार से विगुण होकर रहने वाले जैसे विरुद्ध, तो इनके जरिए ये दूष्य इन्वॉल्व होने लगते हैं। श्रोत दृष्टि कारण, श्रोत दृष्टि लक्षण और कुछ हद तक अवयव, इनके आधार पर हम दूष्य के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो इनको भली भांति देखना है, श्रोत दृष्टि कारण, श्रोत दृष्टि लक्षण, और अभी का जो एनाटोमिकल व्यू है ये अवयव इन्वॉल्व हो गया है इस प्रकार से। तो वो किन धातुओं से बना है, किस सिस्टम का पार्ट है, तो ये ध्यान में रखते हुए उसके बारे में कैसे सोचना है, औषधियों का प्रयोग कैसे करना है, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो अभी लंग कैंसर है, लंग फाइब्रोसिस है, आईएलडी इस तरह पेस्टमिक लंग डिसीज, इस इडियोपैथिक लंग डिसीज इस प्रकार का है। तो इन सभी में अगर लंग की इन्वॉल्वमेंट है और शरणोत्थेन प्रभावः फुफ्फुसः ऐसी बात बताई गई है, तो रक्त के फेन से फुफ्फुस की उत्पत्ति है ऐसा बताया गया। अब ये फेन निर्मिति की प्रक्रिया कैसे होती है, तो मैंने जो सागर के बारे में, समुद्र के बारे में सोचा था कि समुद्र में उछाल आते रहते हैं, हाई टाइड लो टाइड या बर्फ होती इस प्रकार की होती रहती है, और उसके लिए उसमें जो क्षुब्धता आती है उसके जरिए फेन इस प्रकार का निर्माण होता है। जब चर्निंग करते हैं तो इस प्रकार इसका फेन आता है, और उसका कारण क्या है, तो उसका कारण पृथ्वी का
अपने ही इर्द गिर्द घूमना, और ये गिर गिर घूमते घूमते सूर्य घूमना, और चंद्रमा का पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमना। तो ये जो तीन गतियां हैं, पृथ्वी की दो गतियां और चंद्र की एक गति, और ये फिर पूरा सर्कल है, ऐसा नहीं है, थोड़ा ऑर्बिट जैसा है। तो लंबगोल इस प्रकार का होता है, सूर्य से नजदीक जाना, सूर्य से दूर जाना, इस प्रकार से ये बातें चलती रहती है। जा धातु से और स्रोत से खो वैगुण्य अस्तित्व, तेज धातु और स्रोत दुष्ट होता था। म्हणजे जर ख वैगुण्य नसेल आणि दोष प्रकोप झाला तर धातू और स्रोतस नष्ट होणार नाही का, दुष्ट होणार नाही। हा कुपितानाम दोषाणाम शरीरे परिधावताम यदर संगत ख वैगुण्य आणि यदर संगत सो वैगुण्य, इस प्रकार के जो पाठ है। तो ख वैगुण्य का मतलब है ये स्रोतो वैगुण्य, और जहां इस प्रकार के स्रोतो वैगुण्य है वहां प्राय रोगों की निर्मित होती रहती है। उसका सबसे अहम उदाहरण अनुवंशिक रोग है। किसी के घर में डायबिटीज है, अम्लपित्त है, या हृदरोग वगैरह इस प्रकार की बीमारियां है, कैंसर है, तो जेनेटिकली वो प्रोन है इन विकारों। तो ये स्रोतो वैगुण्य है एक तरीके का, इसमें जो भी दोष दोष इन्वॉल्व हुए हैं उस रोग के निर्माण के लिए, वो उसके शरीर में पहले से ही मौजूद इस प्रकार के। अब ये दृष्टि शुक्र तक पहुंच गई है ऐसा है, और शुक्र भी दुष्टम सापत्यम सदारंभावते नरम, दुष्ट शुक्र सापत्यम सदारम पत्नी को भी और अपत्यों में भी बाधा निर्माण करता है। अब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस ये तो एलोपैथी में भी बात बताई गई है, एचआईवी जैसे, या फिर एक दो उपदंश वगैरह इस प्रकार से। और अपत्यों में इस प्रकार के जेनेटिक डिसऑर्डर्स आ जाना, ये भी बात सही है। कैंसर में जेनेटिक स्टडी होती रहती है, कुछ रोगों में लोगों में जेनेटिक इफेक्ट पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। फिर भी ये बात तो सही है कि शुक्र तक दृष्टि अगर पहुंच गई हो, तो शुक्र ही दुष्ट हो गया तो पर्टिकुलरली उस धातु का जो निर्माण है वो ही ठीक तरीके से नहीं होता, वो ही दुष्ट धातु इस प्रकार का निर्माण होने लगता है, और फिर एक कैंसर या दूसरी कोई जो बीमारियां हैं व्यक्त हो जाती है। तो इनको अगर उन विकारों से बचना है या उनकी आगे वाली पीढ़ी को इससे बचाना है, तो पंचकर्म जो बताया था, एकदम मंदम विरिक्तं च निरूढमनवासितम, यही करना पड़ेगा, और जो उसके कारण है वो टालने पड़ेंगे। एक दिवसी प्रकोपात धातु दुष्ट अस्तो, एकादेशीय प्रकोपात दोष नेतर दुष्ट होता नंतर, लेकिन धातु को दुष्ट करने वाला तो दोष ही है ना दोषा दुष्टा रसे धातु दोषयन्ति उभय मला, ये बात बताई गई, करना है। तो कुपितो दोषा समुत्थान विशेषता, ये कुपित दोष है, तो नॉर्मल दोष नहीं है, इसमें संदेह नहीं। तो वो दूष्य को बिगाड़ने वाला इस प्रकार का हो जाता है, और वहां पे पहले से ही ख वैगुण्य है, तो ये ख वैगुण्य के जरिए वहां रोग होने की संभावना ज्यादा होती है, उसमें ही अटक जाने की संभावना ज्यादा इस प्रकार का होता है।
तो कहने का तात्पर्य आप ये है, यतो संगत खवई गुण्या, खवई गुण्या संग होगा, वहां दोषो दोष समोचन समोचना हो जाएगी, व्याधि हो जाएगी। वो वही गुण्य जो पाठ है उसमें कोलटकर सर बताया करते थे कि हम गेंदबाजी कर रहे हैं और आकाश में गेंद फेंक रहे हैं, तो जो व्यक्ति गेंद फेंक रहा है उसकी शक्ति कितनी है, उसके ऊपर वो कितना ऊंचा जाएगा नहीं जाएगा ये निर्भर है। कोई बच्चा फेंक रहा है तो 5-10 फुट इतना ही जाएगा, कोई युवा या पूरा तैयार आदमी फेंक रहा है तो उससे ऊपर जाएगा, जिसकी ताकत बहुत ज्यादा है उसका और ऊपर जाएगा। तो स्वयुण्य का अर्थ दोषाणाम अपि चैवम सत एकदेश प्रकोपणम्। स्वयुण्य से एक किसी जगह पे ये ताकत खत्म हो गई दोष, तो वहीं पे रुक गया और फिर वहां पर विकार निर्माण हुआ। तो खवैगुण्य से भी हो सकता है और स्ववैगुण्य से भी हो सकता है, ऐसा वहां पे मतलब है। और अनुवंशिकता ये एक अहम मुद्दा इसमें है कि स्व खवैगुण्य अनुवंशिकता के रूप में होता रहता है, उस पीढ़ी में ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अलग चीज है। अगर युवावस्था में ही हम पंचकर्म वगैरह सब करवा लेते हैं, हर बरस करते रहते हैं, तो उम्मीद है कि उनमें रोग व्यक्त नहीं होगा, डायबिटीज हो, हृदरोग हो या और कुछ हो इस प्रकार से। और कंसेप्शन के पूर्व अगर ये पंचकर्म करवाते हैं और बाद में कंसेप्शन होता है तो आपत्तियों में ये शुक्र दृष्टि कम हो जाएगी और उनको होने की संभावना कम हो जाएगी। ऐसे अगर पीढ़ियों तक चलता रहे उसके आपत्ति भी, तो ये अनुवंशिकता मिट सके। मालूम नहीं कितनी पीढ़ियों के बाद, 3-4 पीढ़ियों के बाद अनुवंशिकता खत्म हो जाए। तो इसीलिए चाहिए कि शुद्ध बीज का ही प्रयोग। तो अभी ऑर्गेनिक और नेचुरल इसमें थोड़ा सा अंतर ऐसा है कि ऑर्गेनिक में बीज जो है वो संकरित बीज हो सकता है, सिर्फ केमिकल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स का प्रयोग नहीं होता है, तो उससे भी थोड़ा फायदा होता है। लेकिन मूल रूप से अगर बीज ही देसी है तो ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि उससे निर्माण होने वाले जो धातु है वो नैसर्गिक इस प्रकार से बनेंगे। तो अभी के हार्मोनल इम्बेलेंसेस में मैं बताता रहता हूँ कि ऑर्गेनिक ही नहीं देसी खाओ। सुभाष पाड़ेकर नेचुरल फार्मिंग का जो अन्न है वही उसी का सेवन करो, तो धीरे धीरे पीसीओडी वगैरह जैसी जो समस्या है स्थौल्य है उसके साथ भी काबू में आने लगते हैं, उसके जरिए इनफर्टिलिटी है वो काबू में आने लगती है, और उसके साथ में अगर पंचकर्म करवा देते हैं तो सुधार होता रहता है। अब दूसरे विशेष जो है उसके अनुसार हमें दवाइयों के बारे में भी सोचना। अभी एक मुद्दा निकला था, मैं मणिपाल में गया था व्याख्यान देने के लिए, दूसरे दिन व्याख्यान था, पहले उसके पूर्व दिन मैं शाम को पहुंच गया वहां पर, तो वहां का कोई वैद्य मेरे साथ घूमने के लिए आया, और पूरे चंक्रमण के दौरान वो मुझे सवाल पूछता रहा मैं उत्तर देता रहा। तो उसका एक कहने का अहम मुद्दा इस प्रकार का था कि जब हमें शोधन देना है तो स्नेह का सिलेक्शन कैसे करना है, शमन के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला स्नेह शोधन के लिए दे सकते हैं क्या? तो मैंने कहा हाँ दे सकते हैं। तो फिर उसने पूछा कहाँ पे है, मुझे तो आता है कंठस्थ था सोलह, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। यस्तने जीर्ण एवान्ने स्नेहोच्च शुद्धे बहु, कल का खाना
पचन होने के बाद, तो पचन होने के तुरंत बाद स्नेह देना है, शोधन के लिए देना है। शमनाक्षुदोतोनन्नो मध्यमात्रस्य शस्यते, और शमन के लिए जो देना है वो भूख लगने पर देना है और मध्य मात्रा में देना। पहला वाला जो है वो उत्तम मात्रा में देना। इस प्रकार ब्रूहण रस मध्याद्धि सबक तोनको हितस्य च, और ब्रूहण जो है वो अन्न के साथ देना है इस प्रकार से, और अल्प मात्रा में इस प्रकार का देना। अब बात ये रही कि स्नेह अगर पहला आहार पचन होने के तुरंत बाद देते हैं सुबह जब भूख लगी नहीं है, उत्तम मात्रा में देते हैं, तो वो शरीर में फैल कर जो स्नेह का कार्य है वो कर पाए। और अगर शमन करने के लिए देना है तो भूख लगने पर देना है और मध्यम मात्रा में, उसमें शुद्धि प्रलब ये भी बात बताई गई है कि ये शुद्धि के लिए भी मध्यम मात्रा ठीक है, तो उसी को बहुत सारे लोग मध्यम मात्रा में ही स्नेह पान करवाते हैं। मैं भी इसी प्रकार से कह रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में आया हूँ उस मुद्दे पर कि जिस प्रकार की दोष दूष समूर्छना हुई है उसके अनुसार उस दोष दूष समूर्छना को भंग करने वाले स्नेह का प्रयोग जरूरी है। अब ऐसा है अगर हमारा कुछ निदान है, अम्ल पित्त निदान है, तमक श्वास निदान है, विसर्प है या और कुछ है इस प्रकार, और उसके लिए हम दे रहे हैं स्नेह पान, विसर्प की बात तो विसर्प की बात छोड़ो, वहां तो डायरेक्टली वो मंदे देते हैं, लेकिन अम्ल पित्त तमक श्वास वगैरह में स्नेह पान करवा के वो मन करवाते हैं। तो कफ प्राधान्य है, वात प्राधान्य है, कफ पित्त दोनों साथ में है, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए स्नेह का कौन सा प्रकार या इस प्रकार का स्नेह द्रव्य प्रयोग में लाना है। तो शुरू में मैंने एक ऐसा किया था पीएचटी मधु पटकारी या फिर वासा वगैरह इस प्रकार के द्रव्यों को लेकर घी बना देते, अलग बनाते थे वमन के लिए देने के लिए, लेकिन ये फिर बनाना वगैरह ये तो मुश्किल हो रहा। तो फिर महातिक्त का घृत, अगर कफ पित्त का प्राधान्य है तो महातिक्त का देना है, वात पित्त प्राधान्य है तो यष्टिमधु घृत देना है, पित्त का ही ज्यादा प्राधान्य है तो धात्रे घृत देना है। इस प्रकार से दोष के अनुसार करवा, और अम्ल पित्त जैसी बीमारी हो तो महातिक्त अच्छा इस प्रकार का है। अब तमक श्वास के लिए कोई इस प्रकार का अच्छा घृत बताना थोड़ा मुश्किल इस प्रकार का हो जाता है। वैसे विभिन्न डालकर घृत बनवा सकते हैं, सर्वेश्व श्वास काशेश्व केवलम वा विभीतकम इस प्रकार से, यष्टक कंठकारी गुणची वासा ये भी बनाते थे इस प्रकार से। अब ये शमन की मात्रा में भी दे सकते हैं, शोधन के लिए भी दे सकते, सिर्फ काल कौन सा देना है इसके ऊपर ये किस प्रकार का काम करेगा ये निर्भर रहेगा। तो इसकी एक आशंका थी कि जो शमन के लिए घी बताया है वो शोधन कैसे करेगा, मैंने कहा करेगा अगर व्यस्तनी जीर्ण एवं शुद्ध है बहु इस प्रकार से देंगे तो शोधन करेगा, और सिर्फ अगर शमन करवाने के लिए देते हैं तो भूख लगने पर दे देंगे, मध्यम मात्रा में दे देंगे, प्रागेव तो रसी असीम शुद्ध तो बहुत छोटी मात्रा देनी है, शुक्र धातु स्थित खवैगुण्य ही सिर्फ जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए कारणीभूत होगा या किसी भी धातु स्थित खवैगुण्य हो सकेगा, यानी शुक्र तक पहुंच
पहुंचे तब ठीक या उसके बगैर। इसमें ऐसा है कि बीज बीज भागा वयव दुष्ट होता है, ऐसा शरद में लिखा है। शुक्र दूषित हो जाता है करके गर्भिणी अवस्था, और वो बीज के विशिष्ट अंश को दूषित करता है। तो फिर उससे उत्पन्न होने वाले जो भाव है वो दूषित इस प्रकार के हो जाते हैं, दुष्ट हो जाते हैं। अब गर्भिणी अवस्था में किस प्रकार का खान पान करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसके बारे में काफी बताया गया है। तो उसको भली भांति ध्यान में रखते हुए हमें जो हित है पथ्य है उसी का सेवन करना है, जो अपथ्य है उसका सेवन नहीं करना है। या खास करके ग्रहण काल में, गर्भिणी अवस्था और ग्रहण काल है तो उसमें काफी निर्बंध बताए जाते हैं। तो ये जिस तरीके से होता है उसी तरीके से जब शुक्र दुष्ट होता है वो सभी के निर्माण के बारे में दुष्ट होता है ऐसा भी नहीं होगा। किसी एक धातु को दुष्ट बनाने वाला इस प्रकार का हो सकता है। जब कैंसर की बात करें, विशिष्ट अवयव में ही कैंसर क्यों निर्माण हुआ, विशिष्ट स्रोत से संबद्ध ही कैंसर क्यों निर्माण हुआ। तो ये दुष्ट विशेष जो है, प्रकोपण विशेष और दुष्ट विशेष, इन दोनों को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब नल पारा इस प्रकार की आवृत है, शादी हुई नहीं है, इस प्रकार की है तो ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा इस प्रकार की होती है। अभी एक खो वैगुण्य उसके जरिए वहां स्थित इस प्रकार का हो गया, जिसने पीसीओडी वगैरह विकारों के लिए हार्मोन्स ले लिए हैं, उसमें ये गर्भाशय ओवरी और यूटेरस इनकी दुष्टि होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि ये सीधे हार्मोन्स वहां पे काम करने वाले हैं इस प्रकार के हैं। अब जब आईवीएफ किए जाते हैं और फेल हो जाते हैं तो उसके जरिए जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट होता है वो काफी महंगा साबित होता है। एक तो अपत्य भी नहीं हुआ, वो भी अलग चीज हो गई, और फिर इसके जरिए जो भी इस प्रकार का हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया वो पॉलीमर हो जाता है ब्रेस्ट ओवरी और यूटेरस के कैंसर के लिए। तो जो मरीज हमारे पास आते हैं कि आईयूआई कर चुके हैं अभी आईवीएफ में जाना है, तो मैं सलाह देता हूँ कि बेटर है आईयूआई तक ही रुके रहे, आईवीएफ में मत जाइए, आयुर्वेद में कोशिश करते रहिए। वैसे भी आईवीएफ करने पर सक्सेस रेट काफी कम है, और सक्सेस हुआ भी या नहीं भी हुआ तो भी हार्मोनल इम्बैलेंस तो होने ही वाला है, और यह हार्मोनल इम्बैलेंस आगे चलकर किस प्रकार के विकारों को निर्माण करेगा उसके बारे में सोच नहीं सकते। सिर्फ ओबेसिटी हो गई अलग बात है, लेकिन कैंसर हो गया तो कितना महंगा पड़ेगा। तो इस प्रकार के कारणों को ढूंढना है जो दूसरे विशेष के बारे में कारीगरों को, जैसे यहाँ अभी ये नल प्यारा बताते हैं कि जिसको बच्चे हुए ही नहीं है, दुग्धपान नहीं करवाया है इस प्रकार से, तो डक्टल सेल कार्सिनोमा होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है इस प्रकार से। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी ब्रेस्ट कैंसर का प्रमाण बहुत बढ़ रहा है, विदेशों में भी है, भारत में भी है इस प्रकार से। इसमें ये सब कारण है, ज्यादा जो कारण दिख रहे हैं, एक तंबाकू का कारण है तो ओरल कैंसर्स, लंग कैंसर्स ये काफी लोगों में दिखाई देते हैं, और ये हार्मोनल इम्बैलेंस के जरिए प्रोस्टेट कैंसर पुरुषों में और ये स्त्रियों में ब्रेस्ट कैंसर, यूटेराइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर
ये ज्यादा दिख रहे हैं। हार्मोन के ही जरिए थायराइड कैंसर या सुप्रा रिनल ग्लैंड वगैरह वगैरह जो है इनके बारे में सोच रहा। अब इसका बोल हार्मोनल इम्बैलेंस में है, हार्मोनल इम्बैलेंस किन किन कारणों से हो रहा है ये तो ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये मेन कंसेप्ट इसका, क्योंकि उनको हार्मोन दिए जाते हैं, प्राणियों को हार्मोन दिए जाते हैं और बढ़ते हुए मानसिक तनाव ये भी एक कारण है। शमन और शोधन के लिए स्नेहपान में मात्रा का क्या फर्क है, मात्रा से अलग कर्म हो रहा है इसे कैसे समझे। शोधनार्थ स्नेह अगर द्रव्य के समय से सिद्ध करके दिया जाए तो शमन नहीं होगा क्या। इसीलिए तो मैंने दोनों सूत्र बताए, सूत्र स्थान 16वें अध्याय में जाकर ये सूत्र पढ़ो। जो शोधन के लिए माता देनी है वो 24 घंटों में पचने वाली माता देनी चाहिए। आज सुबह घी ले लिया तो कल सुबह भूख लगनी चाहिए, इतनी मात्रा नहीं दी जाती, 12 घंटे की मात्रा दी जाती है जो शमन के लिए मात्रा बताई गई है। फिर भी अलम बला नहीं रहे तो स्नेहश्चा सात्मतां गतः ही असात्म्य हुआ स्नेह 7 दिन के बाद इस साथ में हो जाता है, और इसलिए 7 दिन के अंदर तुम्हारा स्नेहपान खत्म होना चाहिए। अब हम ऐसा करते हैं कि अगर स्नेहपान शुरू किया और शुरू में ही ज्यादा देर लग गई और ऐसा लगा कि हाँ स्नेहपान हो गया, वो होता नहीं है वास्तव में, तो एक दिन रुकते रुक के फिर से स्नेहपान बढ़ाते हैं, क्योंकि हमें दोनों चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में स्नेह जाए और उतना कालावधि भी लगे, 12 घंटे का कालावधि जो है वो भी लगे और सम्यक स्निग्धता के लक्षण भी उत्पन्न हो जाए। ये तीनों चीजें अगर है तो आगे चलकर वो मन विरेचन जो भी करना है वो कर सकेंगे। तो जो शमन औषध वाले द्रव्य है उनको देखकर शोधन के लिए प्रयोग करेंगे तो भी वो कारीगर होता है, क्योंकि ये दो दोषो दुष्ट समूर्छना को भंग करता है। इसलिए इस स्नेह द्रव्य को चुनना बहुत आवश्यक इस प्रकार का। स्नेह सामान्य से कोई भी स्नेह दे देंगे तो स्निग्धता तो आएगी, उसमें कह सकते हैं नहीं, लेकिन अगर दोषो दुष्ट समूर्छना भंग करनी है तो जिस रोग की संप्राप्ति है उस संप्राप्ति में दिए गए जो स्नेह है उनका प्रयोग करना ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। पांडुरोगी पिबे तृप्ति आदो कल्याण का व्यम पंचगव्य महातिक्तम शुद्ध मार्ग बता देना, मैं पांडुरोग के लिए वमन दे रहा हूं तो इन्हीं का प्रयोग करना है। कुष्ठ में कुष्ठिनम स्नेह पाने ना पूर्वम सर्वम उपाश्रित, वहां शोधन का निर्देश नहीं है, पहले स्नेहपान देना। और बहुत सारे मरीजों में यह अनुभव भी रहता है कि स्नेहपान जैसे शुरू करते हैं कुष्ठ कम होने लगता है, सोरियासिस में भी ये बात देखी जाती है, लेकिन ये टेम्पररी होता है, आगे चलकर शोधन कराएंगे तो ज्यादा अच्छा इस प्रकार। तो शमन स्नेहपान या शोधन स्नेहपान ये कौन से द्रव्यों का प्रयोग करें उसके ऊपर निर्भर नहीं है। जो शमन के लिए है वो भी शोधन कर सकता है, लेकिन उसमें एक खासियत है कि दोषो दुष्ट समूर्छना मंद करने का सामर्थ्य उसमें। हमने जो अचा प्रियंगवादी योग ब्रेस्ट कैंसर में डक्टल कैंसर कार्सिनोमा में शुरू किया वो तो एक्चुअली वमन के लिए आया है स्तन्य दृष्टि में। और फिर मैंने सोचा कि ये स्तन्य दृष्टि में उपयोगी है, तो ये दोष दुष्ट समूर्छना जो है स्तन्य दृष्टि में होने वाली उसको भंग करता है, और फिर उससे आगे चलकर ये ब्रेस्ट कैंसर बन गया, डक्टल कार्सिनोमा बन गया, तो वहां की दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए वशा प्रियंगवादी काम में आएगा। अब इसी प्रकार से आस्थापनोपग स्नेहोपग वमनोपग विरेचनोपग इस द्रव्यों का वहां पे वर्णन है। तो विशिष्ट दोष दुष्ट समूर्छना भंग करने के लिए कौन से द्रव्य किस प्रकार से कारीगर होंगे ये अगर सोच कर
उनके स्नेह, उनके द्वारा बनाए गए स्नेह अगर बाजार में उपलब्ध है तो सही है, बाजार में उपलब्ध नहीं है तो हम बना के दे देंगे इस प्रकार से, तो ये स्पेसिफिक हो जाएगा। और फिर उस व्यक्ति ने उस दोष दोष संबोधन को अगर भंग करेंगे, दोष अलग हो जाएगा, वो पंचकर्म के जरिए बाहर निकल जाएगा। और फिर दूसरे को स्ट्रेंथन करने के लिए वही स्नेहपान आगे भी चला सकेंगे शमन के रूप में, या फिर रसायन का प्रयोग करेंगे। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि सूझबूझ कर अगर हम इनका प्रयोग करेंगे, कौन से घी का प्रयोग करना है ये सोचेंगे। काही लोक म्हणतात ऑलमोस्ट सगळे हार्मोन्स प्रोटीन्स असल्यामुळे ते ॲनिमल्सच्या मिल्क मध्ये वगैरे आले तरी आपण सेवन केल्यावर डायजेशन मध्ये डायजेस्ट होत, ये नहीं होगा। नहीं तो हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण उनके हिसाब में क्या, उनको कहो कि ठीक है अगर ये मान लेते हैं कि ये कुछ कारीगर नहीं है इस प्रकार से, तो तुम्हारे हिसाब में हार्मोनल इम्बैलेंस का कारण क्या है वो बताओ और सिद्ध करो कि इस प्रकार से हो रहा है। एक बात सीधी साधी ऐसी है, जो चीजें कारण में है वो कार्य में आने वाली है। अगर हम प्राणियों को वनस्पतियों को हार्मोन देने वाले हैं, दे रहे हैं, तो वो उसका कार्य जो है, जो उसका फलस्वरूप खाना बन रहा है उसमें वो आने वाला है, इसमें तो लॉजिकल है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात इस प्रकार की नहीं है। दूसरे भी कारण है जैसे मैंने जिसका बछड़ा छीना गया है, इस प्रकार की गाय रो रही है, दूध दे रही है, इसमें जो हार्मोनल इम्बेलेंस क्रिएट होता है वो भी कारीगर होता है। तो कहने का तात्पर्य यार कही है ये हार्मोनल इम्बेलेंस है इतना कह के छोड़ मत देना। हार्मोनल इम्बेलेंस क्यों निर्माण हो रहा है ये ढूंढ। अभी विटामिन D3 डिफिशियंसी, B12 डिफिशियंसी का मूल कारण अगर ये संकरित गाय है तो वहां तक तो हमें पहुंचना चाहिए कि ये संकरित गाय का कारण ये हो रहा है, जर्सी गाय का कारण ये हो रहा है, और फिर उसको फिर से रिप्लेस कैसे करेंगे, देसी गाय का प्रचार कैसे करेंगे, ये बातें सामने आएगी। जब तक यही मुद्दा सामने नहीं आता तब तक कोई सुधारने का अवसर ही नहीं है, हमें कुछ सोच भी नहीं है उसके बारे में। तो अभी मेरी कोशिश चल रही है कि दूसरे विनिश्चय अच्छी तरीके से कर पाए, और दोष और दूसरे ये समूचना कैसी बनी है ये समझ कर फिर उसके सिद्ध करता भीतर देने की कोशिश करे, तो दोनों तरीके से काम होगा। अभी ये हम रक्त कल्याण के रूप सभी कैंसर मरीज को दे रहे हैं, क्योंकि रक्त एक दृश्य कॉमन है सभी कैंसर पेशेंट्स में, और महाकल्याण का एक वृत्त अच्छा है कि जो दैवोपहत चेत से इस प्रकार से भी बताया गया है। और मानसिकता में बदलाव लाने के लिए ये महाकल्याण का वृत्त, वैसे नाम से भी ये महाकल्याण करने वाला इस प्रकार का वृत्त है। अब ये कॉम्बिनेशन सभी मरीजों में दे रहे हैं, वहां तो कैंसर में तो हम शोधन की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत केसेस आते हैं, वो एडवांस केसेस आते हैं, पंचकर्म के लिए कोई स्कोप ही नहीं है। फिर भी जो पुड़िया बनाते हैं जिसमें हीरक भस्म है, जिसमें विक्रांत है, जिसमें रसायन चूर्ण है, और जिसमें शुक्र शोधन गण के कुछ दवाइयां इस प्रकार की है, और धातुपाचक, ये सब कॉम्बिनेशन मिलकर ये रक्त कल्याणक और च्यवनप्राश के अनुपान के साथ देते हैं इस प्रकार से। तो विशिष्ट दोष दुष्य समूर्छना तक पहुंचने का यह प्रयास है कि लंग में कैंसर है, कोलन में कैंसर है, ब्रेस्ट में कैंसर है, या और कई जगह कैंसर है, तो
इन सभी परमिटेशंस कॉम्बिनेशंस से वहां तक हम कैसे पहुंचेंगे और वो दोष दुष्ट समूर्छना कैसे भंग कर पाएंगे, ये इसमें अहम मुद्दा इस प्रकार का। अब जब ये बात होती है कि हम दोष दुष्ट समूर्छना को भंग कर पाते हैं, रसायन चिकित्सा चालू ही है तो क्षीर गुप्ता भैंस रसायन तो धातुओं को बल मिलता रहता है, दोष शामन हो जाते हैं, तो दोष साम्य जैसे प्रस्थापित होने लगेगा वैसे कैंसर ठीक होने लगेगा। अब बात यह है कि हमारे पास मरीज आता है वो असाध्य अवस्था में ही आते हैं, तो शुरू की अवस्था में कोई नहीं आ रहा, इसीलिए तो मैं अभी ये कैंसर होलिस्टिक गाइडेंस फॉर्म एस्टेब्लिश करने जा रहा हूँ। फक्त दुग्धाहार वर एक लेक्चर हवी आपल्या, कारण लोकांना कितीही सांगितलं तरी विविध कारण देतात पेशंट्स, सही है। और फिर जो छात्र है वो दुग्धाहार पे रखते नहीं है, अगर वो खुद कन्विंस नहीं है तो लोगों को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, उनको आशंका रहती है कि मरीज मुझे छोड़कर चला गया, केवल दुग्धाहार बताएंगे तो मुझे छोड़कर चला जाएगा, इस प्रकार से। तो जाने वाले होते हैं तो जाते ही है, लेकिन टिकने वाले भी अच्छे रहते हैं, और अगर दूसरे किसी मरीज के जरिए आए हो तो उनको पहले से मालूम होता है कि ये रखते हैं इस प्रकार से, तो वो मन की तैयारी करके ही आते हैं इस प्रकार से। तो अभी मेरा जो प्रयास चल रहा है, ये हिस्ट्री लेने के बाद किस प्रकार का कैंसर है, किस अवयव का कैंसर है, उसके आधार पर दोष दृश्य पहचानने आ रहा है। केवल मानसिक तनाव ही खूब ज्यादा है और फिर आगे कैंसर हुआ है, ऐसी स्थिति है, तो फिर उसके बारे में सोचना पड़ेगा। रसवाहिनी में दुष्यंत कितना मार चापिन चक्कर ना, तो रस एक दूसरे समझकर रस पाचक उसमें डाल देने का बताएगा, रस पाचक तो डाल ही रहे हैं, मांस पाचक, मेद पाचक, अस्थि मज्जा पाचक, ये भी अवयवों के अनुसार डाल रहे हैं। अगर मस्तिष्क की बीमारी है, ब्रेन ट्यूमर है, तो ये मेदोयोग मेद पाचक इसमें डालते हैं वगैरह वगैरह। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जिस तरीके से दोष दुष्ट समूर्छना बनी है उसको अगर रिवर्ट करना है, उसको अलग अलग करना है दोष दुष्ट को, तो फिर दवाइयां जो हो वो पर्टिकुलर अधिकरण से होनी चाहिए, या उन्हें फिर अधिकरण बनाना पड़ेगा इस प्रकार से। और ये सभी रोगों में यही सिलसिला रहेगा, जहां ग्रंथोक्त विकार है, गमक श्वास है, अम्ल पित्त है, या और कुछ इस प्रकार की बीमारी है, पांडु रोग है, कुष्ठ है, वहां उसमें आए हुए जो स्नेह है उसका प्रयोग कर सकेंगे, उसमें कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन जिनके बारे में ग्रंथ में साक्षात निर्देश नहीं है, कैंसर वगैरह इस प्रकार के रोगों में, वहां एक बात करनी पड़ेगी कि व्हाट शुड वी गिव टू क्योर पेशेंट ऑफ ब्रेस्ट कैंसर टू अवॉइड रिलैक्स। इसमें कारणों को देखना है, इसको ब्रेस्ट कैंसर क्यों हुआ, और रसायन चिकित्सा करती रहनी चाहिए, और मैं भी दुख दे रख सकते हैं शुरू में, बाद में खाना दे सकते हैं, और दूध तो कम नहीं करना है, और पंचकर्म करते रहने चाहिए। ये सब अगर करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसको कैंसर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, नहीं तो पहले 5 बरस में तो कैंसर की संभावना सबसे ज्यादा होती है, 5 बरस के बाद कम हो जाती है। नहीं कह सकते कि ठीक हो गया,
10-15 बरस के बाद भी कैंसर उभरा है, ये देखा है, मैंने भी देखा। तो जब तक कारणों को टालेंगे नहीं और पंचकर्म के जरिए दोषों को काबू में रखेंगे और रसायन चिकित्सा से दांतों का बल बढ़ाते रहेंगे, तो एक चांसेस पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग कैंसर रिकरेंस और मेटास्टेसिस ये कम हो जाती है। मैंने ऐसा सोचा था कि कम से कम डिसीज फ्री अवस्था में हमारे पास मरीज आएंगे, क्योंकि एलोपैथी में तो कुछ नहीं है, सिर्फ देखते रहना है इस प्रकार का। च्यवनप्राश रसायन है, मोरावड़ा आंवला रसायन है, च्यवनप्राश में काफी अन्य द्रव्य है, तो वो देना बेहतर है। ग्रीष्म ऋतु और शरद ऋतु में आप आंवले का मुरब्बा दे सकते हैं, लेकिन बाकी सीजन्स में च्यवनप्राश ठीक तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हर व्यक्ति को समझ लेना है, उसके दोषो दृश्य संमोचना को समझ लेना, और फिर उसके जरिए दवाइयां देनी। तो मेरा अनुभव ऐसा रहा कि जब डिसीज फ्री स्टेट आती है तो लोग रिलैक्स हो जाते हैं, हाँ ठीक है, अब सब सर्जरी के मोरिडेशन सब खत्म हुआ, अब मुझे पहली बात जीना है, मुझे सभी कुछ खाना है वगैरह वगैरह। इसके बाद उसमें अगर सलाह मिलती है कि अब तुम आयुर्वेद की दवा करो, तो बोलते अरे आयुर्वेद में जाएंगे तो परहेज रहेगा, अभी मैं कुछ खाने लगा हूँ क्यों करूँ। दूसरी अहम चीजें, मुझे अभी कुछ हो नहीं रहा, मैं तो स्वस्थ हूँ, मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं है, सभी रिपोर्ट नॉर्मल है, तो मुझे क्यों करना है, नहीं करना है इसके। और तीसरी चीज है खर्चा, कितना खर्चा पहले एलोपैथी में कर चुके हैं, तो और क्या खर्चा उठाना इस प्रकार से। हम खुद बनाते हैं तो हम दूसरों का नहीं बताते हैं, पुनर्वसुका है वैसे भी, लेना ही है तो वो अच्छा है, अनामय कंपनी का भी अच्छा है, सर्विस कुलकर्णी खुद ही बनाओ वो बेटर ऑप्शन है। तो इन तीनों कारणों के जरिए अभी मुझे कुछ नहीं हो रहा, अभी मैं कुछ खाने पीने लगा हूं, और फिर से खर्चा क्यों करेंगे, तो लोग आते नहीं, फिर रिकरेंस हो जाता है, जनरली पहले 1-2 बरस में ही रिकरेंस हो जाता है, तो उनको कुछ पता होता ही नहीं है, तो सिर्फ एलोपैथी में चले जाते हैं, फिर सेकंड लाइन ऑफ केमो, थर्ड लाइन ऑफ केमो, रेडिएशन, ये सब बातें चलती रहती है, और एक ऐसी स्थिति पहुंच जाती है कि अब एलोपैथी में करने लायक कुछ नहीं रहा, अब बहुत मुश्किल है और मिजरेबल है, तो आयुर्वेद होम्योपैथी की याद आती है कि अब चारा ही नहीं है कुछ, एलोपैथी में कुछ है ही नहीं, तो फिर आयुर्वेद में आते, और फिर जो आप बताएंगे वो करेंगे, दूध पे रहना है दूध पे रहेंगे, योगा करना है योग करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन ये काफी देर हो जाती है। कॉल मी लेटर, इसके बाद में फोन करो। तो मेरा प्रयास चालू है कि शुरू से ही आयुर्वेद की सलाह तो कम से ले ले, ले, ले। जीवन शैली को तो सुधारो, खाने पीने में बदल करो, और चाहे तो आयुर्वेद की ट्रीटमेंट ले लो उसके साथ। मेरा मकसद है कि आयुर्वेद की चिकित्सा मूल चिकित्सा होनी चाहिए, क्योंकि वो मूल रूप से सर्वांगीण दृष्टि से रोग की चिकित्सा करते,
एलोपैथी केवल ये डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स रिसाइकल को लेकर जा रही है और ये हानिकारक भी है और पर्याप्त भी नहीं है, लेकिन लोगों को तो कुछ मालूम नहीं है इसके बारे में। और निदान भी एलोपैथी में ही होता है तो सीधे वहां की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। इस प्रकार से हमारी ट्रीटमेंट अगर मुख्य रहेगी, जिसमें लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाना है, खाने पीने में परिवर्तन लाना है, साथ में योग करना है, जिसमें तो कोई किसी की हानि होनी नहीं चाहिए, आयुर्वेद की दवा लेनी है नहीं लेनी है अलग बात है। और फिर अगर जरूरत है तो कैंसर पेशेंट ऑटो रिकवरी नंतर ऑटो इम्यून डिसीज कुष्ठ लायकन प्लॅनस मध्ये शोधन नंतर रसायन म्हणून महातिक्तक कृत वापरावे। महातिक्तक का रसायन के जरिए रोल होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। रसायन के लिए कुछ अलग द्रव्यों का प्रयोग इस प्रकार का करना पड़ेगा। बाकी कुछ रसायन वगैरह के बारे में सोच सकते हैं, नहीं तो ये रसायन चिकित्सा की किताब है। वो एक बार देखो तो उसमें कुछ शायद मिले। और फिर कुष्ठ में उपयोग में आने वाले इस प्रकार से कुछ योग रसायन जो है वो करेंगे तो वो बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का होगा। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हमारी ट्रीटमेंट मेन रहेगी एटू मशी से योग क्या है का वापरना, गोविंद फॉर्म वन से रहते। अगर गाय का मिलता है तो गाय का ही ले लो, गाय का नहीं मिलता है तो ही मैं इसके बारे में सोचूं। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि अगर केमोथेरेपी रेडिएशन वगैरह बातें करनी है वो लो डोज से शुरू में अगर करेंगे, अगर एलोपैथी में जाना ही है इसके बारे में, ये वागोली सेंटर में कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है अगर सर देशमुख सर इसके बारे में सोचेंगे तो, क्योंकि वहां ऑन्कोलॉजिस्ट उनका काम करते हैं। लेकिन सर देशमुख सर इस प्रकार का सुझाव नहीं देंगे, लोड़ों से आरंभ करो, वैसे आयुर्वेद की ट्रीटमेंट चल ही रही है सभी। तो मूल रूप से चिकित्सा हो रही है तो इसका रोल केवल अगर बहुत ही ज्यादा बड़ा ट्यूमर है वगैरह तो ऑपरेशन करके निकाल सकते हैं, तो ऑपरेशन करके निकाल देना ये ज्यादा बेहतर ऑप्शन इस प्रकार का रहेगा। और पूरी एग्रेसिव इस प्रकार की केमोथेरेपी देने के बजाय केवल ओरल केमो दे देंगे तो प्रतिकार शक्ति कम नहीं होगी, और प्रतिकार शक्ति कम नहीं होगी तो हमारी दवाई अच्छी काम करेगी। लेकिन ये अभी सपने जैसा है, कोई एलोपैथी का डॉक्टर इसको मानने वाला इस प्रकार का नहीं होगा। और आयुर्वेद की ट्रीटमेंट मेन हो ये समाज भी नहीं एक्सेप्ट करेगा। ये तभी हो सकता है कि एलोपैथी, एलोपैथी में कुछ भी नहीं है तभी आयुर्वेद जो भी कुछ करना है वो कर सकते हैं। एलोपैथी में जब तक कुछ ना कुछ करने लायक है तो वो उसी में जाएंगे, ये सही सही है। और फिर हमारे लिए भी अगर दिक्कत आ रही है, उल्टियां हो रही है या फिर अतिसार हो रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, कहीं मरीज दूर है, तो हमें भी बेबसी में कहना पड़ता है कि ठीक है एलोपैथी का सहायता ले लो, अस्पताल में दाखिल करो, एंटीएमेटिक दे दो और थोड़ा दूध से दूर रहो, लाजा मंडा शुरू करो, और फिर से जब ठीक हो जाए तो फिर से आयुर्वेद शुरू करो। प्रमाण ये बातें जो है ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इस प्रकार की है। मेटास्टेसिस हो सकता है तो सिर पर चिकित्सा सा विचार करो सकते हो मां, मैंने इसके बारे में बताया था। सोच रहा हूँ इसके बारे में कि विकल्प की चिकित्सा इसके बारे में सोचेंगे क्या। और विसर्पण में जो योग है विभिन्न एक प्रकार का,
विदर्भ में रक्त दोष प्रधान है, तो वैसे रक्त पाचक का प्रयोग करते ही है, रक्त कल्याण का भी प्रयोग करते ही है। और उसके बावजूद पटोलादि वगैरह जो विसर्प चिकित्सा में आए हैं, या ग्रंथि विसर्प एक अलग चीज है, अभ्यंतर विसर्प ये भी अलग चीज है। अभ्यंतर विसर्प पे विसर्प के मरीज को ढूंढ पाना, डायग्नोसिस कर पाना काफी मुश्किल होता है। जो बाहर दिखने वाले हैं वो तो एक अलग चीज रहेगी। और फिर इसमें विसर्प में वायरस वायरस का एक रोल होता है एलोपैथी के दृष्टि से, तो शायद एंटीवायरल दवाइयां भी काम करेगी। अभी एक अंजुमीर कुछ लोगों में प्रयोग कर रहे हैं इस प्रकार से, इसकी एंटीवायरल एक्टिविटी प्रूवन है। हिपेटाइटिस बी में मैंने उसकी एंटीवायरल एक्टिविटी अच्छे तरीके से देखी है। तो अभी शालीपर भी मैं डाल रहा हूँ इस प्रकार से दवाइयों में। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है कि हम जितनी गहराई में जाकर इन सभी के बारे में सोचेंगे, उसके अनुसार हम चिकित्सा में परिवर्तन लाएंगे और हमें सक्सेस इस प्रकार से अच्छा मिलेगा। ठीक है, यहीं पे रुकते हैं। व्याप्तचित्तेन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठन्यन्वन्तरिन्दम् प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो विनूनम् वैद्यवर्गो विनूनम् शांति 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 विरम्यते व्याख्यान व्यापार।